टाइम नहीं दे सक रहा था, मैंने पहले कासिम नवीद को दिया था, उन्होंने किया, मैं ग्रेटफुल के सादिक तुक के साथ ऐसे चैलेंज और इसको आगे लेके, और मेरे ख्याल महीने बाद मुझसे मिले थे, तो ही वाज अ डिफरेंट पर्सन. दिस इज हाउ पीपल चेंज अस. इन्होंने कहा कि जी आपने तो मेरे ऊपर बड़ी जबरदस्त काम किए हैं और इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे. नाउ ही कम्स टू मी एवरी डे विद न्यू आइडियाज, विद न्यू थिंग्स, और मैंने पूरी सपोर्ट, बाकी सारी चीजें एक तरफ रखो, इस एरिया में जितना काम हम कर सकते हैं वो कम है और हम ज्यादा करना चाहते हैं. जो दो तीन बातें अभी भी स्टार्टिंग में मुझे क्या सेनेटर साहब बैठे हैं, केबीटीसी के लिए आपके जो ब्रांच, आप दूसरी जो कॉम्प्लेक्स पूरा बनाना चाहते हैं, प्लीज हम आपके साथ हैं और वी विल डेफिनेटली हेल्प यू. हम अपनी इसलिए कि हुकूमत ऐसे दूसरों पे तो बहुत जोर रख रही थी, हमारे अपने साझेदारी नहीं थे. मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिलसुम को, यहीं थी भी नजर आएंगी, उन्होंने अपना ऑटिज्म का सेंटर जब शुरू किया और फिर हमने दूसरा गुलिस्तान जौहर में जो हमारा, और आज मैं बैठी मेरी छोटी बच्ची और मुझे सादिक ने बताया उनके टैलेंट के बारे में, तो वो गुलिस्तान जौहर में हमने उस आज शुरू किया. फिर हमने कहा कि इसको एक्सपैंड करना है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. हैदराबाद में हमने एक सेंटर शुरू किया और इंशाल्लाह ताला हर पूरे सिंध में हमें इसको, कोशिश तो यही है कि बहुत तेज आगे जाए. हमारी कुरंगी में एक बिल्डिंग पड़ी थी जिसको हमने कहा कि इसको इस्तेमाल करें ताकि वो सीआरएस को एक्सपेंड करें, इसमें बड़े बच्चों के लिए भी जगह रखें और रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी हो. हमारा पूरा इरादा है कि हम जितना ज्यादा इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकें, और लेकिन इसके लिए हमें लोगों की जरूरत है. पैसों से ये काम नहीं होता है, ये काम दिल से होता है. पैसा सबसे आसान है इस चीज में, लेकिन वो पैशन चाहिए ये काम करने के लिए. और इंशाल्लाह ताला जो मैं देखता हूं, मैंने जिन लोगों से मिला हूं उनका पैशन देख के मैं बहुत श्योर हूं कि हम सिंध में और आगे बढ़ेंगे. और जैसे कहा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि वो बच्चे जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में, सबसे डेवलप्ड मुल्कों में से वापस आए कि जिनका कुछ नहीं हो सकता इधर आए, तो वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गए थोड़ी ट्रेनिंग के बाद इधर. और इंशाल्लाह ताला हम लोग सहूलियत इधर पैदा करेंगे. हुकूमत सिंध बिल्कुल आपका साथ देगी, लेकिन हमें पैशनेट लोग चाहिए और उनकी कमी नहीं है. बल्कि मैं यही कहूंगा कि आज जो दो तीन चीजें देखी हुई थी, ऐप जो डेवलप की है, जबरदस्त इनिशिएटिव, और वो किसने डेवलप की, दीदी मेरी बच्ची जो थी उन्होंने कहा कि वो अपनी जो उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, उनको एक अपने पेरेंट्स की जब उन्होंने देखा इश्यूज तो उसको देखते हुए उन्होंने वो सोचा कि ऐसा करना चाहिए. हमारा सजावन वाला सेंटर जो है उमेर, प्लीज जहां पे भी चाहिए बिल्डिंग्स बहुत है, सरकार के पास बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी जो अंडर यूटिलाइज है, नॉन यूटिलाइज है, सिर्फ आइडेंटिफाई करें, वी विल फंड देम, हम आगे चलेंगे. हमें लोग चाहिए जो काम करें. हमारे पास जो मैं अभी भी सादिक से कह रहा था, अगर एक चीज की कमी है, और दिस इज नॉट ओनली हियर, हर एरिया में, वो है ह्यूमन रिसोर्स. और खासतौर पर इधर बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत कम लोग हैं जिनको ये पैशन है. मैं कहूँगा कि वो आगे आए और लोगों को इंसेंटिवाइज करें ताकि हम आगे इसको बढ़ सके. सादिक ने पूरी डिटेल बताई थी दी वर्क ऑफ द डीपीडी. आई एम वेरी हैप्पी, बट वी नीड टू डू मोर. हमने 2018 में वो कानून बनाया था और इट वॉज मॉडल लेजिस्लेशन और हमने सारी इनपुट ली थी. और मुझे पता चला है वो दी सेक्रेटरी वॉज डूइंग इट एट दैट टाइम, इज जस्ट बीन रिपोस्टेड बैक टू सिंध, तो मे बी आई यूज हिम अगेन सम एरिया. और उसके बाद उसके रूल्स, और आज हमने वो जो देखा ब्रेल में, ये चीजें तो हमें सोचनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग हमारे लिए सोचते हैं. एंड आई एम ग्रेटफुल रिचर्ड भी इधर बैठे,
जेफरीज के जो काम है, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो पैशनेटली जिस तरीके से काम किया है उसको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी देर आप लोग सारे बैठे रहे, आपने अपनी ईद आधा दिन तो इधर मेरे जैसे बोर आदमी के साथ गुजार दी, और अब ऑब्वियसली यू वांट टू गो आउट एंड एंजॉय समवेयर एल्स। लेकिन मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चीफ मिनिस्टर हाउस को इज्जत बख्शी और आप लोग इधर आए, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि 3 दिसंबर को हम ये दिन आपके साथ हमेशा मनाएं। और जब तक मैं हूँ ये चीफ मिनिस्टर हाउस आपके लिए खुला है, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और इंशाल्लाह ताला ऐसा सेटअप करके जाएंगे, ऐसा ऐसी रिवायत डाल के जाएंगे कि जो भी बाद में आएगा उस रिवायत से हटना सके उसको बहुत मुश्किल हो। हाँ, रिजर्व सीट्स की बात की, ऑब्वियसली इट इज नॉट आवर डोमेन, बट वी विल टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली में बात करेंगे कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट में ऐड करें, मुझे पता है वो कानून वापस आएगा हमारे पास दोबारा। आई कीप दिस इन माइंड और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई ना प्रेजेंटेशन किसी तरीके से दें ताकि आपके लोग, और जावेद तो इसके बहुत पहले से प्रोपोनेंट है मुझे पता है, 2003-04 से ये बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। दूसरी जो मुझे अच्छी बात लगी ना, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, 8-10 ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हैं, लेकिन लग ये रहा था कि ये सारी एक फैमिली है जो एक साथ बैठी है, और हम इस फैमिली का हिस्सा हैं, हुकूमत सिंध इस फैमिली का हिस्सा है। और एक बार फिर जैसे मैं पहले भी कहा है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और होप टू सी यू मोर ऑफन, नॉट ओनली ऑन द 3rd of December, बट और ज़्यादा। मुझे अभी बताया सजावल जाने के लिए शायद कह रहे हैं, उधर भी निकालेंगे टाइम, और बाकी और ये सारे इदारे जो हैं, के वी टी सी इज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने कहा है कि हम कराची से बाहर भी अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपको फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर ये आपकी मेहरबानी होगी। बाकी जो इदारे हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन IPMR जो है, उसमें हमारा वैसे ही प्लान है कि हम सैटेलाइट्स हर डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में शुरू करें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जैसे इधर हमने देखा है कि पूरे सिंध से लोग बच्चे आए हैं ख़ास तौर पे, तो एक बार फिर आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाल डॉक्टर बनना है तुमने, मुझे उसने बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, छोटा बच्चा था, इस फ्रॉम हैदराबाद एंड कामया तो पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।